दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर नीचे गिरी स्लीपर बस, 25 से ज्यादा सवारियां घायल, ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हुआ हादसा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बुधवार सुबह हरिद्वार से जयपुर जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस बांदीकुई क्षेत्र में सोमाड़ा गांव के पास नीचे गिर गई। इस घटना में करीब 25 से अधिक लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस पहुंच गई है, घायलों को जिला अस्पताल दौसा भिजवाया गया है। बस में करीब 40 से अधिक लोग सवार थे। हादसे का कारण बस ड्राइवर को नींद की झपकी आना बताया गया है। वहीं आपको बता दें कि बस पूरी तरीके से पूरी लाइनों को क्रॉस करते हुए नीचे गई, तो प्रथम दृष्टांत यही लगाया जा रहा है कि नींद की झपकी आने से ये हादसा हुआ है। फिलहाल बचाव दल व पुलिस व सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी है। वहीं जो सड़क पर वाहन थे उन्हें दूर हटाया जा रहा है।